कुछ पिछले 50 सालां च वापरिया आ जो झूठ दियां सौहां खा के लोगों नूं गुमराह किया गया आ और उन्हां गल्लां दे खिलाफ बड़ा वड्डा लोगों च रोस आ गुस्सा आ और लोग चाहुंदे आ कि इन्हां नूं जो इन्हां ने गुरबाणी दे गुटका साहब नूं चुक के झूठी सौं खाधी सी ते एडा वड्डा ना फराड किया आ पंजाब दे लोगों दे नाल झूठ मारिया उहदा इन्हां नूं सजा दित्ती आ। क्यों हफ्तिया च करांगे बेअदबी आ वो लोग बेअदबी की गल करते जिन्हें तोपां टैंकां नाल साडियां सैकड़े पीड़ां जिहड़ियां ने डाल दित्तियां वो गुरु महाराज के पत्रां की गल करते हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन 100 साल वध पुरानी जमात है श्रोमणी अकाली दल ते इहदी होंद जिहड़ी है वो पंथक हितां नूं मुख रख के की गई सी। एक पंथक पार्टी है पंजाब के सिखां की गल कर रहे हैं तो हमेशा जिहड़े जज्बात वो नाल जुड़े हुए हैं श्रोमणी अकाली दल के। हुण ये श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी है हुण एक सियासी पार्टी एक धर्म निरपक्ष है ते साडी वंड टुंड कर दित्ती अद्धे साडे पिंड उधर रह गए अद्धे उधर रह गए। डिस्क्रिमीनेशन वाली इस हिंदुस्तान दे विच जो साडे पंजाबियां नाल जो साडे सिखां नाल होया इत्थे इहो महसूस हुंदा कि जिस तरह ये सानू अपना बछिंदा ही नहीं समझदे साडे नाल मतरेई मां वाला सलूक है। पर आपां उसे पार्टी नाल एक लंबा समां गठजोड़ भी रहा है। मेरे पिंड दे विच 60 लाख रुपया पा के मंत्री जी दे किरिंदे ते मंत्री जी हुणी छक गए हजारा सिखा नूं बीबिया नूं टायर पा पा के जिन्हां साड़िया और ये देश आजाद आ जिथे अजे तक एड्डी वड्डी कतलोगारत दा किसी के खिलाफ ठोस इन्हां ने परचा दर्ज नहीं होन दिता। आ एक सज्जन कुमार हुण जिहड़ा आ सिर्फ फड़िया की हजारा लोगों जिहड़ा ना मारिया बेगनावां उन्हां दा देश की आजादी का कोई जापदी गल कि जिन्हां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कांग्रेस वाले किहड़े मूँह दे नाल गुरु महाराज के पत्रियां की बेअदबी की गल करते जिन्होंने इन्ना वड्डा जुल्म किया गुर धाम ढाते और एडा कतलोगारत की इन्होंने लोगों के वो लोग बशर्म ने जोड़े इन्होंने तुरे फिरते मैं वो लोग इतने आ के दिल्ली जो वोटा मंगन रहे जिन्हें पंजाबी खत्म कर दी। श्रोमणी अकाली दल के दौरान भी बहुत सारे ऐसे जोड़े हादसे वापरे ने खास तौर पर सिखा उत्ते गोलीबारी हुई है चाहे वह असी बरगाड़ी कांड की गल करते हैं ते उस तो पिछे 2007 दे विच जो सौदा साध वालों राम रहीम वालों गुरु गोबिंद सिंह जी संवाद उतारिया गया सी उदों भी गोलीबारी हुई है उदों भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी। चन्नी साहब ते काबू आ गए ने अजे बहुत सारे काबू आने वाले ने। 14 कांग्रेसी लीडरां दी फाइल ते कैप्टन साहब आप दे के आए ने। एक होर बड़ा आया मुद्दा हैगा है पंजाब दे पाणियां दा राय पेरियन एक्ट दा उहदे उत्ते अजे तक किसी पार्टी ने भी कोई जिहड़ा वा जबरदस्त स्टैंड नहीं लिया भावें कि 2002 कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक स्टैंड लैके वो जिहड़ा समझौते रद्द कराए सीगे कि श्रोमणी अकाली दल वालों कभी इस विषय उत्ते सोचा गया। अकाल चैनल दे नाल जुड़े सारे ही दर्शकों का स्वागत है सारे नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि पंजाब दे विच इस वक्त 2022 दीआं चोणां दे वास्ते माहौल पूरी तरह गरमाया होया है वक् वक् सियासी पार्टियां आपो अपनी जोर अजमाइश जिहड़ी ने वह कर रही ने कि सत्ता जिहड़ी है प्राप्त की जा सके पंजाब की आउंदे 5 सालों के वास्ते वक् वक् किस्मां दे वादे और दावे भी किए जा रहे हैं आपो अपना मैनीफेस्टो है उहदे नाल पंजाब दे बहुत ज़्यादा बहुत गंभीर मुद्दे ने वह भी नाल दी नाल उस तरह खड़े हुए हैं जिहदे विचों बेरोज़गारी की गल करते हैं नशियां की गल करते हैं सेहत सहूलतों की गल करते हैं स्कूली विद्या प्रबंध की गल करते हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मुद्दा जिस मुद्दे के आधार के उत्ते कि दोषियों को सजावा देवे पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया और ही जोड़े होर बहुत सारे पंजाब के लोगों के जुड़े हुए मुद्दे ने उन्होंने बाबत आप गलबात करा फतेहगढ़ चूड़िया हल्के तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सरदार लखबीर सिंह जी लोधी नंगल साढ़े नाल जुड़े हुए हैं पहला स्वागत करते उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत मेहरबानी जी धन्यवाद तुम मैनू अपने चैनल राही दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिता जी। बिल्कुल जी इलैक्शन दियाँ फिलहाल जिहड़ियां श्रोमणी अकाली दल वालों तैयारियां कहो जिहियां कीतियां जा रही ने बहुत चढ़दी कला च जी तैयारियां चल रही ने लोगों का भरपूर इस वेले हंगारा आ और तुसीं वेख्या ही जिथे जाने उत्थे ही ठाठा मारदा कट्ठ जिहड़ा है लोगों का इकट्ठा हुंदा और लोग आप मुहारे ही जो कुछ पिछले 5 सालों वापरिया आ जो झूठ दियां सौहां खा के लोगों नूं गुमराह किया गया आ और उन्हां गल्लां दे खिलाफ़ बड़ा वड्डा लोगों च रोस आ गुस्सा आ
और लोग चाहते हैं कि इन्हों जो इन्होंने गुरबाणी के गुटका साहब न चुक के झूठी सहु खाधी सी तो एडा वड्डा ना फराड किया पंजाब के लोगों के नाल झूठ मारिया उदा इन्हों सजा दी जाएगी। जो झूठ सीगा जिहड़ा सोहां खाधियां गईयां सी भी गुटके उत्ते हाथ रख के कि चार हफ्तों में नशा मुक्त कर दिता जाऊगा, शायद लोगों ने ता ही विश्वास कर लिया होगा उस वेले तो सत्ता जी है वह बदली सी कि उस वेले जां लगता भी बहुत ज़्यादा नशा प्रचलित हो चुका सी पंजाब दे विच। दरअसल इस तरह जी कि वेखो असी सवेरे जदों अरदास करते हैं ना गुरबाणी दी बाबा जी दे कोल तो असी उहदे च नाल भरोसा दान भी मंगते हैं जिथे बाकी आपां बेनती करते हैं तो भरोसा करना पंजाबियों का एक सुभा आ। नशा तो उहदे नालों हुण कई गुणा वध प्रचलित आ, तुसीं भी जानते जी असीं भी जानते हैं। मैं तो पुछदा हां जिहड़ा वंडेटा भावना दे नाल इह राजसी तरीका वरत के जिहड़ा मजीठा जी दे उत्ते केस दर्ज करके ये कोशिश कर रहे हैं कि असी उन्हां नूं अंदर दे के कोई सियासी लाभ लै लिए, ये हुण क्यों नहीं परचा दर्ज किसी के करते जिहड़ा 5 साल तो पहला दे मजीठा जी का नाम आउंदे ने ते हुण 5 सालां दा उस तो बाद उधरों भी 10 गुणा वध नशा विक रहा, पिंड पिंड गली गली दे विच नशा इस वेले विकदा और वो इन्हां नूं बंदा पुछे फिर वो कौन वेच रहा उहदा भी परचा दर्ज करो। ये सियासी गल्लां ने हर बंदा कोई भी गल जिहड़ी करदा उहदे विच अपनी पॉलिटिक्स लुकवीं करदा आ। जो कुछ इन्हां कीता आ चौं हफ्तिआं 'च करांगे बेअदबी आ, वो लोग बेअदबी की गल करते जिन्हां तोपां टैंकां नाल साडीआं सैंगड़े बीड़ां जिहड़ियां ने उड़ा दित्तियां वो गुरु महाराज के पत्रां की गल करते हैं। हजारां सिखां नूं बीबियां नूं टायर पा पा के जिन्हां साड़िया और ये देश आजाद आ जिथे अजे तक एड्डी वड्डी कतलोकारत दा किसी के खिलाफ ठोस इन्हां ने परचा दर्ज नहीं होण दित्ता। आ एक सज्जन कुमार हुण जिहड़ा आ सिर्फ फड़िया कि हजारां लोकां नूं जिहड़ा ना मारिया बेगनावां नूं उहनां दा देश की आजादी का कोई जापदी आ गल कि जिन्हां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कांग्रेस वाले किहड़े मूँह दे नाल गुरु महाराज के पत्रियां की बेअदबी की गल करते जिन्होंने इन्ना वड्डा जुल्म किया गुर धाम ढाते और एडा कतलोगारत की इन्हों लोगों के वो लोग बशर्म ने जोड़े इन्हों तुरे फिरते हैं। मैं कहूँगा जी श्रोमणी अकाली दल के दौरान भी बहुत सारे ऐसे जोड़े हादसे वापरे ने, खास तौर पर सिखा उत्ते गोलीबारी हुई है, चाहे वह असी बरगाड़ी कांड की गल करते हैं तो उस तो पिछे 2007 के जो सौदा साध वालों राम रहीम वालों गुरु गोबिंद सिंह जी संवाद उतारिया गया से उदों भी गोलीबारी हुई है, उदों भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी। और उस तो पहला 1999 का जिक्र आउंदे नकोदर, क्योंकि 4 फरवरी का दिन सीगा जो उत्थे रोस कर रहे नौजवानों ते गोली चली सी, उदों भी श्रोमणी अकाली दल सी। इहनूं किवें डिफाइन करो? गल इस तरह जी कि वेखो इकड़ दुक्कड़ घटनावां राज भाग दे विच वापर जाणियां किसी दे वस दी गल नहीं, सरकार कांग्रेस की होवे अकाली दल की होवे किसी की भी होवे, कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री या सरकार ये नहीं चाहती भी उहदे राज भाग विच कोई गल वापरे जी। पर यह गल जिहड़ी आ ठीक आ, एक वारा नहीं दरबारा सिंह का जदों राज सी उदों भी तुहाडे सामने किन्ने लोगों की कतलोगारत हुई, जदों बेंत सिंह का राज सी उदों भी बुचड़ा वांगू इन्हां ने साडे लोगों को कोह कोह के मारिया। उहदे मुकाबले नाल कंपेयर करना भी बड़ा जरूरी आ, 84 वाली गल भी कंपेयर करनी बड़ी जरूरी आ। अजे भी वो दत्तड़ झिल्ली किहड़ा हरियाणे च पिंड आ जिहड़ा सारे का सारा तबाह हो गया जिहदी बाद विच खोज की गई। ये गल्लां जिहड़ियां एक एक दो दो चार चार वापरदियां ने ना, ये एजीटेशनां च वायलेंस हो जाणी ये कोई नहीं चाहुंदा ते किसे दे वस नहीं हुंदी, ये बदोबदी हो जाती आ। जो भी इहो जी गल वापरदी आ बहुत माड़ी आ। बिल्कुल, 14 या 15 में घटनावां वापरियां सी, 16 और 17 लगभग 3 साल श्रोमणी अकाली दल भाजपा जिहड़ा कायम रहा आ, कि उस वेले वो तुरंत जिहड़ा इनसाफ क्यों नहीं हो सकिया अपना? उहदा गल इस करके नहीं हो सकी भी इमीजिएट उस वेले जिहड़ी सिट बनाई सी ना खट्टरा साहब दे अंदर वो तकरीबन ठीक लीहां ते चल रही सी। उस वेले इन्हां ने यह रौला पाता कि सानू यह पंजाब पुलिस ते भरोसा नहीं, इस करके इहदा जिहड़ा इनवैसटीगेशन आ CBI नूं दे दिओ। इन्हां दे कहन दे उत्ते तुहानूं सारे चैनलों वालियां नूं मीडिया नूं पता आ, क्योंकि जदों साडी निजत साफ सी असी क्या भी बिल्कुल इहदा ठीक इनसाफ होना चाहीदा, असी उसे वेले साडी सरकार ने वो CBI नूं उहदी इनवैसटीगेशन जिहड़ी आ देती। इनवैसटीगेशन CBI ने करनी सी जदों उह ते फिर साडे वस नहीं सी, उदों इन्हां दा रौला सी भी CBI कर लवे। CBI ने करदिआं करदिआं सरकार बदल गई, मुड़ के उही लीडर सन जिहड़े मुड़के आंदे नहीं जी हुण वापस पंजाब की पुलिस उदों भी उही सी जी।
बाद विच भी हो सी। ये सिर्फ पोलिटिकली एक सोच सी कि असी हुण अपनी पुलिस अही सरकार बन गए, असी लियावांगे अही अपनी मर्जी नाल अकालियां दे उत्ते केस बनावांगे। पर अक्सर सच तो सच ही आ, कोई बदोबदी ला कानून तो कोई चल जिहड़ा उहने अपने हिसाब नाल चलना ही आ, तुसीं कर सकदे आ, बट कोर्टां दे विच जा के ते सच जिहड़ा फिर सामने आ जांदा। बिल्कुल जी, तकरीबन 100 साल वध पुरानी जमात है श्रोमणी अकाली दल, तो इहदी होंद जिहड़ी है ਉਹ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ SC ਵਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, BC ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਗਾਬੜੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ। 2022 ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰ? 2022 ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 14 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ED ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਛੇਤੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਆ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਛੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ADC ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਰਡਲੀ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ 60 ਲੱਖ ਦਾ 60 ਲੱਖ ਹੀ ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜਿਹਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 2 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਨਹੀਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ,
और जीवन लिए जरूरी ने इन्हां वास्ते चेचा ध्यान देन दा बादल साहब दा प्रोग्राम आ। आने वाले समय च इन्हां गल्लां वल असीं स्पैशल ध्यान देंगे। जी धन्यवाद। एक खास तौर पर जो भी इलैक्शन की गल आती है पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत की गल आती है पंजाबी मां बोली की जो दुर्दशा पिछले आप यही नहीं कहोंगे भी कांग्रेस सरकार से या श्रोमणी अकाली दल से पर पिछले लंबे समय तो जी हो रही है वो बारे की आप सोचे होया कि करूगा श्रोमणी अकाली दल। दरअसल वेखो जी गल लोग इतने आन के दिल्ली जो वोटा मंगन रहे जिन्हें पंजाबी खत्म कर दी दिल्ली में जिन्हें सिलेबस बंद कर दिता तो जे पंजाब दे लोग अवेयर होणगे भी असी अपनी माँ बोली का ख्याल करना चलो असी तो पंजाबी सूबे लिए मोर्चा लाया किन्नियां कुर्बानियां कीतियां किन्ने साडे लोग शहीद होए तद जाके पहला ही ये सूबा आ जिन्हों कुर्बानियां दे के बनाउणा पिया नहीं तो सारे सूबे अपने आप ही उन्होंने बोली के आधार से बनाए सी ते साडी वंड टुंड कर दित्ती अद्धे साडे पिंड उधर रह गए अद्धे उधर रह गए डिस्क्रिमीनेशन वाली इस हिंदुस्तान दे विच जो साढ़े पंजाबियों नाल जो साढ़े सिखा ना होया इत्थे ऐ महसूस हुंदा कि जिस तरह ये सानू अपना बछिंदा ही नहीं समझते साढ़े नाल मतरेई मां वाला सलूक करते पर आपां उसे पार्टी नाल एक लंबा समा गठजोड़ भी रहा है चारा कोनी कांग्रेस ने जिड़ा वड्डा जुल्म किया जिन्ना उन्हां साढ़े उत्ते गुरधामा ते अटैक किए ब्लू स्टार किया अकाल तख्त साहब ढा ढेरी किया हजारां सिखां नूं बीबियां ते बच्चों नूं बजुर्गों नूं साड्या नूं उन्हां ने तेल पा पा के साड़िया उन्हां नाल समझौता किया ही नहीं जा सकता और सैकंड ऑप्शन जिहड़ी सी इह सी कि सेंटर पद्धर दे उत्ते कोई नैशनल पार्टी जिहड़ी आ सूबे की सरकार चलाउण वास्ते कोई ना कोई माड़ा मोटा किसी दे नाल सति श्री अकाल जिहड़ी आ जरूरी आ उस गल नूं मुद रख के नाले हिंदू सिखां दा जिहड़ा पाड़ा वधदा जांदा सी उस गल नूं मद्देनज़र रख के बादल साहब ने वड्डी सोच के मद्देनज़र पंजाब की एकता अखंडता तो पंजाब च आपसी भाईचारे नूं मुख रख के बीजेपी दे नाल समझौता किया सी और जदों बीजेपी ने उस गल दे उत्ते अपना वचन नहीं निभाया फिर अत्याचार करना शुरू किया साडे किते नूं खत्म करन दी कोशिश की सानू नुकसान पहुँचाउण दी कोशिश की इस करके जिहड़ा वो भाईचारक सांझ करके जिहड़ा बनाया सी वो सानू पोलिटिकली खत्म करना पिया पर भाईचारक सांझ नूं असीं अज भी बदस्तूर आपस में सारिया कम्यूनिटी भावें ईसाई ने मुसलमान ने भावें दूसरिया साड़िया एससी बरादरिया ने बीसी बरादरिया ने हिंदू बरादरी आ सिख बरादरी आ असी सारियां नूं एक मुठ ते एकता दे नाल कठिया रखने वास्ते हर वेले यतनशार है। बड़ी वधिया जिक्र किया पंजाबी सूबे मोर्चे का तुसीं जेलां भी कट्टियां जां बहुत वड्डियां कुरबानियां दे के वड टुक तो बाद जिहड़ा पंजाबी सूबा होंद विच आया सीगा उस वेले तो लैके ते हुण तक एक जिहड़ी मंग है मैनूं लगता भी शायद वो समुचे पंजाबियों का सुपना ही रह जूगी कि सच होगी कि चंडीगढ़ पंजाब नूं नहीं मिलिया तो हुण क्योंकि चोणां दौर है तो पिछले जिहे अखबारों में चर्चा तुरिया सी भी शायद भाजपा जिहड़ा चंडीगढ़ है पंजाब नूं देण नूं तैयार है इस मुद्दे उत्ते श्रोमणी अकाली दल की स्टैंड होगा। देखो बड़ी वारा स्टैंड लिया वध अधिकारां दी गल कीती आनंदपुर साहब का मता लिया उदों आनंदपुर साहब के मते नूं इह खालिस्तान का नाम दिंदे आ असीं आपोजिशन पार्टियां बाद विच पिछे तुसीं वेंदे रहे जे सारे इह गल मंनदे रहे कि जिन्ना चिर स्टेटां नूं मोर पावर नहीं मिलदी उन्ना चिर स्टेटां की सर्वाइवल जिहड़ी आ उह नहीं हो सकदी और मैं तुहानूं बड़े साफ लफ़्ज़ां च कहना आ उत्थे कोई भी सरकार आ जाए उन्हें पंजाब नाल इंसाफ नहीं करना किसी के मन में चंडीगढ़ पंजाब नूं देण बारे पंजाबी इलाकों नूं देण बारे कभी उन्होंने मन में भोरा जिन्ना भी नहीं वो पंजाब नूं दबाउण बारे साडे कोल होर सब कुछ खोण बारे तो सोच सकते हैं पर सानूं देण बारे कभी नहीं सोचते। पंजाब की इलैक्शन पंजाब के बहुत सारे मुद्दों उत्ते गलबात होंदी है बहुत सारे मुद्दे ने आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं एक होर बड़ा अहम मुद्दा हैगा है पंजाब के पाणियां का रायपेरियन एक्ट का उसके उत्ते अज तक किसी पार्टी ने भी कोई जड़ा वा जबरदस्त स्टैंड नहीं लिया भावें कि 2002 कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक स्टैंड लैके वो जड़ा समझौते रद्द कराए थे कि श्रोमणी अकाली दल वालों कभी इस विषय उत्ते सोचा गया नहीं श्रोमणी अकाली दल भी नाल ही सी जदों जनानी मसली सारा मता लिया गया सी उन्हें उत्ते पास करके भेजा गया सी उहदा अमल की होया मैनू तो उहदे कोई अमल नज़र नहीं आया पर एक चीज़ जरूर आ भी जिहड़ियां पावर स्टेट को नहीं गिया आपां स्टेट वाले उहदे खिलाफ़ रौला पाउण तों इलावा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ला जिहड़ा आ उह कौम सेंटर गौरमेंट दे हत्थ आ और इह बड़ा वड्डा इनजस्टिस आ बड़ा वड्डा धक्का आ और साडा पाणी आ क्योंकि जिहड़े साडे नैचुरल सोर्सिज़ ने हुण असीं बिहार चों उत्थों बिहार बंगाल चों कोला लोहा लैके आउणे आ पैसे दे के आउणे आ उहदी रॉयल्टी सानूं देणी पैंदी आ इत्थों साडा जे पाणी इहनां ने लिया आ तां सानूं उहदा मुआवजा देणा चाहीदा आ
और जे सानू साडे दित्ते पानी दा मुआवजा मिल जाए तो पंजाब दे विच किसे टैक्स दी लोड़ नहीं रहिंदी, सारा पंजाब खुशहाल हो सकदा। अखीर दे विच की सुनाया जी, पंजाब दे समुचे वोटरों नूं केवल अपने हलके तक नहीं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पार्टी की तुसीं नुमाइंदगी कर रहे हो, की कहना चाहोगे समुचे पंजाब दे वोटरों नूं? मैं बहुत डीपली हाथ जोड़ के सारे पंजाब दे वोटरों नूं अपील करदा, आ मौका आ तुसीं पंजां सालां लई अपना भविख जिहड़ा आ पोलिटिकल पार्टी दे हाथ विच देना आ। दिल्ली दी किसी पार्टी ने अज तक पंजाब दा भला नहीं कीता, और मैं तुहानूं इह कहना चाहुंदा आ कि आप बना के चंगी तरह सोचो, घर बैठो और रात नूं विचार करो कि इक्को ही पार्टी आ जिहड़ी पंजाब दी अपनी पार्टी आ, उह आ श्रोमणी अकाली दल जो 100 साल पुरानी पार्टी आ, जिन्नियां अज तक पंजाब दे लोकां वास्ते रहतां सहूलतां जो भी बेनीफिट दिते ने बादल साहब की सरकार च दिते ने, ये सारिया स्कीमां मैं गल लगा तो बड़ा लम्मा समा लगेगा। तुसी सारे जानते जे बिजली दे बिलों तो लैके बिजली तो माफ़ी लोगों को देने वास्ते, आटा दाल की ला लो, सैकलों की ला लो, पेंशन की ला लो, और स्कूलों च खाने की ला लो, जो भी सहूलत ने सारिया दारिया पंजाब के लोगों ने मंगिया नहीं सी, पर बादल साहब नूं पंजाब दे लोगों के रहन सहन बारे पता सी। इस गल नूं मुख रख के होर भी बहुत सारिया स्कॉलरशिप आदि दियां जिहड़ियां गल्लां सी उह पंजाब दे हितां वास्ते पंजाब दे लोगों की बेहतरी लई उन्होंने लागू कीतियां सी, उहो ही कर सकदा जिहड़ा तुहाडा अपना आ, ते कल्ली अपनी पार्टी तुहाडी श्रोमणी अकाली दल आ। श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनाओ तां कि तुहाडा आने वाला समय के विच तुहाडा भविख जिहड़ा आ उह ठीक रहे, चढ़दी कला च रहे, तुहाडे बच्चों का भविख ठीक होवे। मेरी इहो ही सारे पंजाबियों नूं अपील आ। शुक्रिया जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार लखबीर सिंह जी लोधीनगल, जिन्हें नाल एक लंबी गलबात पंजाब के मुद्दे उत्ते और श्रोमणी अकाली दल के इतिहास के बाबत की गई है। सो जुड़े रहो अकाल चैनल के नाल। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।